एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दो लड़के को बात करते हुए दिखाया जाता है एंड वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में सात भूतिया किस्से हैं, उनमें से एक किस्सा है जो कि बहुत मशहूर है एंड वो है सातवां किस्सा। पुरानी बिल्डिंग के थर्ड वॉश में एक भूत रहता है जिसका नाम है हनाको। तभी हमें बताया जाता है कि हनाको को बुलाने के लिए तुम्हें गर्ल्स वॉशरूम के टॉयलेट में 3 बार नॉक करना पड़ता है और बोलना पड़ता है, हनाको क्या तुम अंदर हो। दरवाजे से एक हाथ बाहर निकलता है एंड वो लड़की से देख के बहुत डर जाती है। जब वो अपना आँख खोलती है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, तो लड़की सोचती है मैं उनका बहम है, लेकिन वही तभी वो हनाको है वो उस लड़की के पीछे आ जाता है जिससे वो लड़की और भी ज़्यादा डर जाती है एंड वो नीचे बह जाती है। तभी हनाको उसे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और हनाको कहता है कि तुम मुझे अपनी कोई ख्वाहिश बता सकते हो, मैं उसे पूरा कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी वो लड़की कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता, तो मैं चाहती हूँ कि वो लड़का भी मुझे पसंद करे। तभी हनाको एक बुक निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। बातों बातों में हनाको उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा हॉबी क्या है और वो लड़की उसे अपने गार्डन में ले जाती है। तभी हनाको उस लड़की को लेटर देता है एंड कहता है कि तुम यहाँ पे अपने मन की बात लिख के उस लड़की को एक कागज़ दे देना। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का अपने क्लासरूम में एंटर करता है। उन्हें उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि तुम्हारे डेस्क में एक लेटर और कुछ सब्जियाँ रखी हुई है और ये सब इस लड़की ने रखा था, और ये सब देख के वो लड़की बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। ऐसे ही वो लड़की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है। हमें फिर से उस टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हनाको से कुछ चीज़ गिर जाती है और वो लड़की उसे उठाती है। हनाको कहता है कि उसे छू मत, लेकिन लड़की गुस्से में उसको खा देती है। लेकिन और उसके बाद हनाको कहता है कि उसे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब तुम्हें कुछ श्राप लग जाएगा। और हनाको उस लड़की से कहता है कि इस श्राप के कारण तुम मछली बन जाओगे और तुम मरमिट के गुलाम हो जाओगे। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है एंड वो लड़की लड़के को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन लड़का कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और ये लड़की उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। तभी वो लड़की बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो लड़का किसी और से पसंद करता है और वो उसे पसंद नहीं करता। तभी उस श्राप का असर होता है और वो लड़की मछली बन जाती है। जब उस लड़की की आँख खुलती है तो वो खुद को एक शीशे के डब्बे में बन पाता है और वो लड़की पूरी की पूरी मछली बन चुकी होती है। तभी वहाँ पर वो मरमिट आ जाती है और वो कहती है कि मैं इसे अपने साथ ले जाने आई हूँ, तो लड़का उसे रखने की कोशिश करता है लेकिन वो मरमिट लड़के को बहुत दूर फेंक देती है। तभी लड़का कहता है कि तुम इसे नहीं ले जा सकते और वो अपने हथियार निकालने लगता है और एक ही बार में उस मरमिट को मार देता है। वो लड़का उस लड़के से बोल रहा है कि मैं तुम्हें फिर से इंसान बना सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तो लड़के बोल दिए मैं तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे इंसान बना दो। और वो लड़का उस लड़के को फिर से इंसान बना देता है और बोल रहा है कि आपसे तुम मेरे असिस्टेंट हो, आपसे तुम मेरे हर काम में मेरी मदद करोगे। और हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पता है मुझे कि अभी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि अभी मैं फर्स्ट टाइम इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगली बार से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको अच्छे से करूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।